हेलो डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सबका वीर एट्थ क्लास मैथ में कैसे हो आप सब हम कर रहे हैं चैप्टर टू पॉइंट टू और क्वेश्चन है सेकंड रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को द पेरेटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या लिख रखा है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर क्या है 154 मीटर इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको ये तो मालूम होगा ना पेरीमीटर कैसी सेप होती है चलो पहले ये बता देता हूँ कि पेरीमीटर सेप कैसे होती है पेरीमीटर में आपको पता है ना आमने सामने की साइड क्या होती है इक्वल होती है आमने सामने की साइड क्या होती है इक्वल और आमने सामने की जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम डिनोट किससे करते हैं एल से डिनोट करते हैं ये लेंथ है इसकी लेंथ को एल से डिनोट कर दिया ये ब्रेथ है और ब्रेथ को किससे डिनोट डिनोट कर कर दिया B से कर दिया क्लियर है अब अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कि क्या क्या होता है? क्या होता है है सम सम ऑफ ऑफ ऑल ऑल साइड साइड यानी यहाँ से अगर आप चलना स्टार्ट करते हो तो ये वाली साइड प्लस में ये साइड प्लस में ये साइड और लास्ट में जाके ये साइड इन सब का क्या करना का प्लस करना पड़ेगा इन सबको क्या करना पड़ेगा प्लस तो यहाँ से चलोगे ये एल जोड़ोगे फिर बी जोड़ोगे फिर ये एल जोड़ोगे और फिर क्या जोड़ोगे बी जोड़ोगे इसका मतलब टू टाइम क्या आएगा एल आएगा और टू टाइम्स क्या आएगा बी आएगा टू टाइम्स क्या आएगा बी आएगा अगर हम यहाँ से टू कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा एल प्लस बी टू को बाहर कॉमन ले लिया और अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो आप इसको याद कर लेंगे द पेरीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या रहता है 2 टाइम्स एल प्लस बी यानी 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ अब आइए क्वेश्चन में हमें इसका परिमित्र दे रखा था परिमित्र ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना दे रखा है 154 मीटर कितना दे रखा है 154 मीटर इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर इट्स लेंथ 2 मीटर मोर ट्वाइस

ब्रेथ क्या मान लेते हैं ब्रेथ को मान लेते हैं भाई ब्रेथ को क्या मान ले एक्स मान ले क्या मान ले एक्स ब्रेथ को बी भी, भी मान सकते हो लेकिन मैंने यहां एक्स मान लिया ठीक है देन लेंथ क्या हो जाएगी देन द लेंथ तब लेंथ क्या हो जाएगी बताओ लेंथ क्या कहा इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि जो लेंथ है जो लेंथ है वो इस ब्रेथ के ट्वाइस ब्रेथ का क्या बोला है ट्वाइस ब्रेथ का क्या कर दीजिए ट्वाइस कर दीजिए कर दीजिए अभी ट्वाइस और फिर कह रहे हैं कि उससे टू मीटर मोर भी है उससे क्या है टू मीटर मोर भी है यानी कि 2x एक्स प्लस टू इसकी क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी ब्रेथ क्या रही x और लेंथ क्या हो जाएगी 2x एक्स अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको यहाँ नीचे नोट कर लेता हूँ ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सना अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि इसका जो पेरीमीटर है अब पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर हमारे इस साइड लिखा ही पड़ा है पेरीमीटर होता है टू इंटू एल प्लस बी टू इंटू एल प्लस बी तो इसका पेरीमीटर लिख लीजिए टू इंटू लेंथ लेंथ कितनी है लेंथ लोगे या ब्रेथ ले लोगे पहले ब्रेथ को ले लीजिए चाहे लेंथ को ले लीजिए ले मैंने लेंथ को ले, ले लेना है टू एक्स प्लस टू टू इंटू एल प्लस बी लेंथ आ गई है और फिर प्लस बी बी का मान क्या है एक्स यानी कि दो जमा दो गुना दो गुना क्या बोलोगे लंबाई प्लस चौड़ाई दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ये क्या है लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई और ये पेरीमीटर हमें दे कितना दे रखा है 154 154 मीटर मीटर कितना दे रखा है बोलिए क्लियर है क्या मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी सोल्व कर लेंगे सोल्व करेंगे, सोल करेंगे तो आप बताओ क्या आएगा सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि एक्स प्लस में टू एक्स 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 वालों को जोड़ लेंगे सीधा एक्स एक्स वालों को जोड़ोगे तो टू एक्स ये और x ये कितना हो जाएगा टू इंटू में थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू एक इक्वल टू क्या आएगा वन फिफ्टी फोर क्या आ गया वन फिफ्टी फोर क्लियर है ये बात क्लियर हो गई होगी बात अच्छा इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बाकी बचे हुए पार्ट पे अच्छे से ये समझा पाऊँ ठीक है थोड़ा सा धैर्य रखना भाई टेक्नोलॉजी है अपने पास उसका सदुपयोग किया जाए इसको थोड़ा सा यहाँ अगर मैं छोटा कर लूँ ठीक है ये किसका आ गया लेंथ का आ गया इधर चलो कोई बात नहीं इसको हम बाद में लगा लेंगे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं समझ में आ रहा है ना सबको ठीक है यहाँ से कुछ आ गया था अपना लेंथ का है ना ये आ गया था इसको लिख लेते हैं वाइट मार्कर से ही एल ई एन है ना लेंथ की लेंथ ही था ना ये ठीक है लेंथ ही है एल ई एन जी एच

इज इक्वल डिवाइड में क्या जाएगा? आ जाएगा टू आ जाएगा टू से काट दीजिए टू से जब आप इसे काटोगे तो टू टू सेवन जा टू सेवन जा फोर्टीन बचा फिफ्टीन में से फोर्टीन गया वन बचा यहाँ फिर से फोर्टीन हुआ और टू सेवन जा फोर्टीन टू सेवन जा फोर्टीन तो हम बोल सकते हैं कि थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू कितना आ गया 77 सेवन क्या आ गया सेवनटी सेवन अब आपको पता है कि ये जो प्लस का टू है ये जो यहाँ प्लस का टू है वो उधर जाके कि किस चीज का हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि थ्री एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी सेवन माइनस टू तो हम बोलेंगे थ्री एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी सेवन में से टू गया कितना आ जाएगा सेवेंटी फाइव बोलो मेरी बात क्लियर है क्या अच्छे से हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सर तो बस अब कुछ नहीं बचा रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने ध्यान से देखिए थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या है सेवनटी फाइव है थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या है सेवनटी फाइव है देन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेवनटी फाइव डिवाइड बाई थ्री फाइव डिवाइड थ्री थ्री से काटेंगे तो आपको

टू मोर तो ब्रेथ के ट्वाइस से टू मोर सबसे पहले ब्रेथ मानी थी हमने तो ब्रेथ कितनी आ गई भाई ब्रेथ आ गई x ब्रेथ क्या मानी थी x और x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई 25 x की वैल्यू आ गई 25 फिर हमने लेंथ को माना था लेंथ को माना था ट्वाइस क्या टू एक्स प्लस टू माना था तो ट्वेंटी एक्स की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू टू ट्वेंटी फाइव इंटू टू कितना हो जाएगा? फिफ्टी फिफ्टी प्लस टू कितना आ जाएगा फिफ्टी टू तो यानी कि हमारी ब्रेथ आ गई ट्वेंटी फाइव और लेंथ आ गई फिफ्टी बोलिए क्लियर है क्या उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा थी मैं चाहता तो आपको नई स्लाइड पर ले जाके भी एक्सप्लेन कर देता लेकिन फिर आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाते जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया एक बार रिवर्स करके देख लीजिए या इसका स्क्रीन ले लीजिए मैं साइड में हूँ ठीक है उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मिलेंगे थर्ड क्वेश्चन में फिलहाल के लिए इतना ही थैंक्स एंड हैव नाइस डे